मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस एलएन टेक्निकल ब्लॉग में। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुर जयपुर की तरफ से नोटिस है और यहाँ देखेंगे यह नोटिस अभी कुछ देर पहले डाला गया है। 10/8/2021 का ये नोटिस है। यह अभी कुछ देर पहले ये नोटिस आया है। कनिष्क अभियंता जो सिविल का एग्ज़ाम डिग्री का रद्द हो गया था उसके बारे में है। तो कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, मैं बात करूँगा इस पर डिटेल में। तो बने रहना इस वीडियो में, लाइक और शेयर ज़रूर करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लेना। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2020 क्रमांक 20/73 दिनांक 3/3/2020 यथा मतलब संशोधित विज्ञापन क्रमांक संख्या फिर 17/3/2020 व संशोधित क्रमांक 39/41 दिनांक 21/9 यानी 21/9/2020 तक डेट इसकी एक्सटेंड कर दी गई थी, जो कि पहले ही थी लेकिन उन्होंने क्या किया था, कोविड के कारण डेट को बढ़ा दिया था। कनिष्क अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2020 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। तदनुपरांत बोर्ड द्वारा 12 दिसंबर कनिष्क अभियंता सिविल डिग्री धारक परीक्षा आयोजित की गई थी, किंतु यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। पुनः इस परीक्षा के आयोजन की तिथि 12/9/2021 नियत कर प्रेस विज्ञापन जारी की गई। तदनुसार ही कनिष्क अभियंता सिविल डिग्री की परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। तो इसमें हुआ था क्या था कि डिग्री का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इसलिए कि दिक्कत यह हो गई थी कि पेपर कई कई जगह पे पेपर लीक हो गया था, सुनने में ही आ रहा था। यहाँ आप देखें विभाग का नाम है, परीक्षा का नाम है, परीक्षा दिनांक और उसके बाद परीक्षा का समय है। तो इन्होंने सब कुछ शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया है, मैं बताऊँगा लास्ट तक बने रहना। एडमिट कार्ड वगैरह कब आएगा, PWD उसके बाद जल संसाधन विभाग, उसके बाद जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उसके बाद राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, उसके बाद कनिष्क अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त परीक्षा 2020 का एग्जाम है 12 सितंबर पहले इन्होंने बताया था कि 12 सितंबर को ही एग्जाम होगा। उसके बाद एग्जाम जो होने वाला है ये दो शिफ्ट में होने वाला है, दो घंटे का होने वाला है, 10 से 12 बजे के बीच में एक शिफ्ट में इसका एग्जाम होने वाला है। 10 से 12 दो घंटे का एग्जाम इसका होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। अतः उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थी को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञापतियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.gov.in से डाउनलोड करने की दिनांक के लिए अलग से यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा परीक्षा को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास बिल्कुल ना करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तर प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.gov.in पर प्रकाशित विज्ञापन द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे। तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे भ्रामक न्यूज़ फैले रहते हैं कि मतलब एग्ज़ाम डेट टल जाएगा या बाद में एग्ज़ाम होगा, तो इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। नवीनतम एवं अधिकतम सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.gov.in पर नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हरि प्रसाद शर्मा अध्यक्ष, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे rsmssb.gov.in राजस्थान, आप जब इसे सर्च करेंगे तो वहाँ पर ही आपको नोटिस मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। तो दोस्त इस समय आज तारीख जो है आज 10 अगस्त है, 10/8 है और एग्ज़ाम आपका होने का है 12/9/2021 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा महीना ख़त्म हो जाएगा और 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका आएगा, यानी 31 अगस्त के बाद एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम मतलब 31 तारीख को आए, मतलब आपका एडमिट कार्ड 31 तारीख के बाद ये कभी भी जारी कर सकते हैं, 1 तारीख को 2 तारीख को, तो इसी तारीख 3 तारीख को, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी लगभग 10 से 12 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अब जैसे ही जारी होगा तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा तुरंत,
जैसे एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और हाँ, जो ये लोग पूछते हैं कि भाई एग्ज़ाम होगा, जो मतलब एब्सेंट हो गए थे उनके बारे में, तो एब्सेंट के बारे में आपको बता दूं, वो भी एग्ज़ाम में उम्मीद है कि बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किसी भी नोटिस में ऐसा नहीं कहा है कि जो बच्चे एब्सेंट थे वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। ऐसा कोई रूल भी नहीं है। कुछ कुछ बोर्ड में ऐसा किया गया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इन्होंने क्योंकि बताया भी नहीं है कि जो लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो अगर आपने मतलब एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे किसी कारणवश, तो आप तैयारी करते रहिए, आप एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि अगर इस हिसाब से होगा तो काफ़ी सारे बच्चे फिर एग्ज़ाम छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। उम्मीद अभी तक यही है, क्योंकि अभी इन्होंने नोटिस में कहीं भी नहीं कहा। 2-3 नोटिस जारी हो चुका है एग्ज़ाम के बाद, एक तो रद्द हुआ था, उसके बाद दो नोटिस लगभग आ चुके, दूसरा तीसरा नोटिस है। तो उसमें किसी भी नोटिस में इन्होंने बिल्कुल भी ये बात कही ही नहीं है कि मतलब आपको उन लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा जो लोग मतलब एग्ज़ाम में बैठे थे या नहीं थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा हैं, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप तैयारी करते रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।